मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको GTA 6 बनाने का मौका मिले तो आप उसमें क्या क्या डालोगे, तो आप लोगों के 200 से भी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं और आज मैं आपको उन्हीं कुछ पॉइंट्स को डिवाइड करके बताऊंगा। क्योंकि वैसे भी जब तक GTA 6 नहीं आ रहा तब तक हम यही देख लेते हैं कि हम लोग के हिसाब से GTA 6 कैसा होना चाहिए, और आप में से ज़्यादातर लोगों ने तो यही कहा था कि GTA 6 में अभी तक के सभी प्रोटैगनिस्ट आने चाहिए या फिर एटलीस्ट CJ और टॉमी तो आ ही जाएं। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो दोनों आएंगे, क्योंकि टॉमी, CJ और क्लॉड ये तीनों ही GTA के 3D यूनिवर्स का पार्ट है, और बल्कि GTA 4 एंड GTA 5 HD यूनिवर्स का पार्ट है। रॉकस्टार की थ्योरी के हिसाब से प्लेयर्स यूनिवर्स क्रॉस नहीं कर सकते, और GTA 6 तो शायद HD यूनिवर्स का पार्ट होने वाला है, इसलिए 3D यूनिवर्स के करेक्टर्स इसमें नहीं होंगे। और एक थ्योरी ये भी है कि जितने भी अब तक वॉइस एक्टर्स ने काम किया है ना रॉकस्टार गेम्स के साथ, उनकी उससे ज़्यादा बनी नहीं है। जैसे आप टॉमी का ले लो, या CJ का ले लो, या निको का ले लो, तीनों को ही वॉइस एक्टर्स को रॉकस्टार के साथ काम करने में मज़ा नहीं आया, और इसीलिए उन्होंने फ्यूचर में दोबारा रॉकस्टार के साथ काम नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि वो GTA 6 में दोबारा रॉकस्टार के साथ काम करेंगे, लेकिन GTA 5 के वॉइस एक्टर्स के तो अच्छे रिलेशन लगते हैं। तो अगर GTA 5 के प्रोटैगनिस्ट को ही ऐड कर दें तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि जिन लोगों ने GTA 5 खेला है वो जानते हैं कि तीनों कितने सही करेक्टर्स हैं। और अगर ये भी नहीं तो एटलीस्ट एक ऐसा मिशन हो या कोई DLC हो जिसमें सभी GTA गेम्स के प्रोटैगनिस्ट एक साथ आएँ, तो कितना अच्छा होगा। और एक ही मिशन को परफॉर्म करेंगे और हमारे पास उसमें अपनी खुद की चॉइस हो कि आपको कौन सा प्रोटैगनिस्ट सेलेक्ट करना है, किसके तौर पे खेलना है उस पर्टिकुलर मिशन के लिए। सही में मज़ा ही आ जाएगा खेलने में। फिर हमारे हिसाब से इस गेम का वेदर और ज़्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब ये नहीं कि बारिश, फॉग या स्नो, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं और होती हैं, लेकिन अगर नेचुरल कैलमिटीज़ हों जैसे कि अर्थक्वेक्स, टोर्नेडो, वॉल्केनिक इरप्शंस, तो कितना बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं और काफ़ी डिज़ास्टर सिचुएशंस होती हैं, नो डाउट। लेकिन जो गेम में अगर ये आए वो GTA 6 के रियलिस्टिक ग्राफिक्स में हम इन सब सिचुएशंस को एक्सपीरियंस कर पाएँ कि कोई कैलमिटी कैसी होती है, तो कितना सही लगेगा। अब वैसे देखा जाए तो GTA सैन एंड्रियास में एक अर्थक्वेक तो दिखाया था, लेकिन वो अर्थक्वेक जो है वो GTA सैन एंड्रियास के स्टार्ट होने से पहले ही आया था, तो हमें बस उसके आफ्टर मार्क्स ही देखने को मिले थे गेम में। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि GTA 6 में कोई ऐसा एक्चुअल में अर्थ कोई कहे कि भाई एक्चुअल में गेम में क्या हो रहा है, या फिर कोई फ्लड वगैरह आ जाए। फिर हमारे हिसाब से होना चाहिए डिस्ट्रक्टिबल इन्वायरमेंट, क्योंकि अभी क्या होता है कि जब हम GTA 5 में किसी घर या बिल्डिंग पर रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागते हैं या फिर कोई बम लगाते हैं तो उस घर को कुछ भी नहीं होता। हाँ, हम गन से जब शूट करते हैं तो गनशॉट के मार्क्स तो रह जाते हैं उस पर, लेकिन फिर भी जब आप रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दाग रहे हो घर पे तो घर तो उड़ना चाहिए, पर एटलीस्ट दरवाज़ा ही टूट जाए। दरवाज़ा तो पबजी में भी टूट जाता है, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यार GTA 6 में एक डिस्ट्रक्टिबल इन्वायरमेंट हो, यानी यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स में टूट सके या फिर कुछ घर टूट सके। लेकिन GTA 5 के सभी घर तो इनडिस्ट्रक्टिबल लगते हैं। तभी से लगता था कि अपन अश्वत्थामा है, कभी नहीं मरेगा। इन सब के अलावा गेम और ज़्यादा डायनामिक और रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे कि GTA Vice City और GTA 5 में एक बिल्डिंग है जो सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ऐसा होना चाहिए कि मेन स्टोरी की टाइमलाइन के दौरान वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए, और साथ ही जो बिल्डिंग्स और हाउसेज हैं वो टाइम के साथ साथ पुराने हो जाएँ, उनका पेंट फेड हो जाए, प्लास्टर धीरे धीरे उतरने लगे, कितना रियलिस्टिक लगेगा सही में। और जैसे अभी GTA गेम्स होते हैं कि जब कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड आग बुझाने आती है, वैसे ही अगर जब हम कोई पोल या ट्रैफिक लाइट या साइन बोर्ड तोड़ें तो उसको ठीक करने के लिए भी लोग आएँ और ये दिखे, भले ही हमारे अकाउंट से कुछ पैसे कट जाए वो नुकसान करने के लिए, लेकिन फिर भी कितना सही लगेगा। फिर अपना करेक्टर भी काफ़ी रियलिज्म से ज़िंदगी जिए, जैसे कि RDR2 में आपकी टाइम के साथ दाढ़ी बढ़ती है, अगर आप नहीं कटवाओगे तो भाई बहुत ही लंबी हो जाएगी, और इवन अगर आप नहीं नहाओगे ना तो जो NPCs है वो आपसे दूर भागेंगे क्योंकि आपसे बदबू आ रही होगी। वैसे ही रियलिज्म GTA 6 में भी होना चाहिए। और जैसे कि जब आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आपको जेल में जाके एक ट्रायल पूरा करना पड़े, तब जेल के अंदर भी आप जी पाओ, उसके अंदर भी कुछ कर पाओ आप। उसके अलावा जब करेक्टर मरता है और वो हॉस्पिटल जाता है, फिर हॉस्पिटल के बाद जब आए तो 4-5 दिन बीत जाए गेम में, क्योंकि ये थोड़ी ना है कि 6 घंटे के अंदर बंदा ठीक होकर आ जाएगा, मतलब उसे 10 गोलियां लगी हैं हॉस्पिटल जाएगा ठीक होकर आ जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, 4-5 दिन तो लगे एटलीस्ट। फिर हर NPC से हम कुछ इंटरेक्ट कर सकें, उसके साथ एक लंबी कॉन्वर्सेशन कर सकें, और मैं तो कहता हूँ इवन बैंक से लोन भी ले सकें जिसे हम धीरे धीरे करके वापस कर देंगे। अब बात आती है गेम के मैप्स के बारे में, तो गेम में मियामी यानी कि वाइस सिटी का मैप होना चाहिए, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाइस सिटी गेम का मैप हो, वो तो बहुत ही छोटा मैप था। मैं तो कह रहा हूँ कि रियल लाइफ मियामी जैसा मैप होना चाहिए, क्योंकि वो नियॉन लाइट्स, वो बीचेस कितने सुंदर लगते हैं, और लॉस सैंटोस हो क्योंकि वो मॉडर्न मैप है जहाँ FIB है, यूनियन डिपॉजिटरी है, एंड लिबर्टी सिटी जो कि एक्चुअल में न्यूयॉर्क सिटी है, वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सब कुछ इतना बड़ा बड़ा है वहाँ पे, वो सब भी होना चाहिए। और अगर सैन एंड्रियास हुआ तो पुरानी GTA सैन एंड्रियास की यादें वापस आ जाएंगी। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इस बार रॉकस्टार गेम्स को कोई नई सिटी ऐड करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक सरप्राइज एलिमेंट होगा।
और हम एक सिटी से दूसरी सिटी भी जा पाए बाय एयर, बाय रोड या बाय वाटर ट्रैवल कर पाए तो वो भी सही लगेगा। इवन मैं तो कहता हूँ कि GTA 6 में नासा को भी ऐड कर देना चाहिए ताकि हम स्पेस शटल में बैठे और खुद उड़कर जाए मून पे या मार्स पे। लेकिन वैसे आप में से कुछ लोग तो कह रहे थे कि भाई पूरा इंडिया का मैप डाल देना चाहिए GTA में। यार वो बिल्कुल सही लगता है, काश इंडिया का मैप हो GTA में, लेकिन वो होने नहीं वाला। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। तो रियल वाइल्ड लाइफ जैसे कि टाइगर्स, एलिफेंट्स हो और एक्वेटिक एनिमल्स भी हो, क्योंकि GTA 5 के पानी में कोई शार्क या कोई क्रोकोडाइल नहीं मिलता था, तो यार वो सही नहीं लगता था यार, वो होना चाहिए गेम में। और इवन आप में से तो कुछ लोग कह रहे थे कि जूज और वाइल्ड लाइफ पार्क भी हो तो बढ़िया रहेगा। एंड एक बढ़िया स्टोरी तो बनती है, क्योंकि अगर स्टोरी अच्छी नहीं हुई तो गेम खेलने का मजा ही नहीं आएगा। एक अच्छी लंबी स्टोरी लाइन हो, कम से कम 50 घंटे का गेम प्ले हो, मेन स्टोरी सिर्फ 50 घंटे की हो, और जैसे GTA 5 की स्टोरी लाइन थी। और इवन मैं तो कहता हूँ GTA 5 इतनी अच्छी तरीके से लिखी गई है, उस पूरी स्टोरी में ना एक ह्यूमर था। मतलब जब तीनों प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे तो वो सरकाजम, वो पंचेस कितने बढ़िया लगते थे। और उसी की वजह से आप GTA 5 की स्टोरी कितनी भी बार खेल लो भाई बोर ही नहीं होते, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हैं उसके। और अब ऐसे ही कुछ मिसलेनियस बातों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं तो कहूँगा गेम में मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट होने चाहिए, क्योंकि GTA 5 के मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट के साथ खेलने में काफ़ी मज़ा आता था, क्योंकि सभी की अपनी स्टोरी लाइन होती है, सभी की अपनी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इवन मेरे को सबसे बढ़िया ट्रेवर लगता था, जब आप माइकल या फ्रैंकलिन से ट्रेवर की तरफ स्विच करोगे तो हमेशा वो किसी ना किसी इंटरेस्टिंग पार्ट भी देखने को मिलेगा, काफी अजीब सी पोजीशन में मिलेगा। और फिर वो तीनों प्रोटैगनिस्ट जो थे वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते थे वो बहुत बढ़िया लगता था। इसलिए मेरे हिसाब से मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट होने चाहिए GTA 6 में। और गेम में असैसिनेशन मिशंस भी होने चाहिए, जैसे GTA Vice City में थे और GTA 5 में भी थे, क्योंकि उनको करने में काफ़ी मज़ा आता है। एंड मैं तो कहता हूँ यार रियल लाइफ में वो UFO साइटिंग्स होती रहती है ना, एलियन कॉन्टैक्ट सिग्नल वगैरह, क्रॉप सर्कल्स, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, वो सब भी ऐड कर दो गेम में, ज़बरदस्त हो जाएगा। और जैसे GTA 5 City में टैक्सी मिशन थे, एम्बुलेंस मिशन थे, विजिलांते मिशन थे, वो सब पता नहीं क्यों GTA 5 में नहीं है। अगर वो GTA 6 में आ जाए, मतलब हमें करने का मौका मिल जाए एज अ टैक्सी ड्राइवर या एज अ एम्बुलेंस का, या फिर एज अ पुलिस ऑफिसर हम जी पाए थोड़ी सी लाइफ, तो बढ़िया लगेगा। और भाई हमने तो रॉकस्टार से कितनी फरमाइशें कर ली यार GTA 6 को लेके। लेकिन एक बात तो है, जब GTA गेम स्टार्टिंग में आए थे ना तब वो क्राइम को दिखाना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे GTA के नए गेम्स आते रहे, इसका फैन बेस बड़ा होता रहा, तो इसके जो सभी फैंस हैं GTA के, वो अब GTA गेम्स को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक चाहते हैं, कि गेम बिल्कुल रियल लाइफ जैसा हो जाए। लेकिन उसकी भी कुछ अपनी दिक्कतें हैं, जैसे कि अगर गेम को बिल्कुल रियलिस्टिक बना दोगे तो शायद उसमें इतना ज़्यादा मज़ा ना आए और इतनी फ्रीडम नहीं रहे। जैसे कि अगर आपको एक गोली मारने के लिए भी जेल में जाना पड़ रहा है तो फिर तो आपका मज़ा ही ख़त्म हो जाए वो गेम खेलने का, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसे ही होता है भाई, गोली मारोगे तो जेल जाओगे। और तो ये कुछ बातें थी जो हमने बात करी कि GTA 6 में क्या क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से। आप सबके भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, सबको पढ़ा और फिर इन सब की पॉइंट्स वगैरह तैयार किए मैंने। और आखिर में मैं कहूँगा वो गेम में सब्सक्राइब टू लेजी असैसिन वाला पोस्टर भी होना चाहिए। वैसे खैर ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसी और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइज़।